सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, पटना लॉ कॉलेज के एग्जाम में यानी आपका एग्जाम डेट कब है आप सभी को चिंता हो रही है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो। सभी बच्चों का सवाल है कि इसके एग्जाम में कितने दिन है, क्योंकि अगर दिन नहीं पता चलेगा तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। और बहुत बच्चे अभी रेकलेस है, बहुत बच्चे एप्लीकेशन पे आए और वो सिर्फ यही बात की चिंता करें कि सर एग्जाम है क्यों। देखो, पिछली बार जब फॉर्म आपका भरा गया था उसके 20 से 25 दिनों के अंदर आपका एग्जाम हो गया था। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब भी पिछली बार फॉर्म भरा गया था उसके 20 से 25 दिन, तो ज्यादा से ज्यादा इस बार आपके एग्जाम में समय जो है वो 30 दिन का मिलेगा। आज है 20 तारीख और आज आप देखोगे ये जो नोटिस है ये उसी का नोटिस है। इसको जोड़ा जूम करोगे तो इसकी जो डेट थी वो आगे नहीं बढ़ी है, ठीक है। विस्तारित करने की डेट आखिरी लाइन में देखो आप, ये 20/7 तक है। तो जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया वो आज ही तक उनके पास ऑप्शन था, वो उसके बाद भर नहीं सकते हैं, फॉर्म उनका भराएगा ही नहीं। बात समझ में आ गया। अब क्लियरली एक चीज ध्यान रखना है कि आप इन बचे हुए दिन में तैयारी कैसे करोगे, ये एक बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। सो आपको देखो, सारी प्लेलिस्ट में हमने उनका सिलेबस बता दिया है, सब कुछ बता दिया, कट ऑफ वगैरह सब कुछ हमने बताया हुआ है पहले भी। आपको ये सब वीडियो देखने पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमारा चैनल CUET Mind सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि CUET LLB की भी तैयारी करवाते हैं हम और पटना लॉ कॉलेज की भी। सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जिन बच्चों को तैयारी में डर लग रहा है, फॉर्म भर दिया कुछ पता नहीं चल रहा है, सिलेबस PYQ सब कुछ हम देने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। जो ज्वाइन करेगा बच्चा उसको मात्र 700 रुपीज में एंड प्लस थोड़ा बहुत GST 18-20 रुपए लगेंगे, वो आपका फी लगेगा, इससे कम आपको कहीं मिलेगा नहीं। और मेरे भी ये लास्ट डिस्काउंट ऑफर उन बच्चों के लिए है जो मतलब चाहते हैं कि अब आखिरी में तैयारी करें। इसमें आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको मेंटरशिप के तौर पे करेंगे। समझ में आ रहा है ना। सो अगर आप फ्री में भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट फ्री में बच्चे के लिए ही बना हुआ है, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंसली जितने भी प्लेलिस्ट हैं यानी पॉलिटी की 400 प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी तो पॉलिटी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। याद करो, पॉलिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हमने पढ़ाया है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कर लोगे तो आपकी GK की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी शिद्दत से कर पाते हो तो ये आपके ऊपर है। बच्चों में दिक्कत क्या है कि वो फ्री में करना नहीं चाहते और पेड वाला उनसे पे नहीं होता है। तो भाई दोनों ऑप्शन हैं, और याद रखो ये दोनों ऑप्शन करके बच्चा लोग रिजल्ट दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार दोगे, आपको चुनना है कि आप कौन से खेमे में जाना चाहते हो। सो ये बड़ी अपडेट है, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, सो टाइम वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉस ही होगा। सो इसको जल्द से जल्द आप कर लो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।